मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी आरम फैसलाबाद और मुल्तान, 2 सितंबर को मैं मौजूद होऊंगा फैसलाबाद में और 4 सितंबर को मैं मौजूद होऊंगा मुल्तान में। आप अपने हवाले से जानना चाहें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन कैसा रहेगा, लेकर एक्यू टीवी से आपकी खिदमत में एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जिंजानी हाजिर हूँ। साल 2022 की जिंजानी जंत्री, 12 इमामिया जंत्री 2022, अलबेरूनी तकवीम 2022 और नवा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दिन तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। अगस्त 2022 बुरजहमल एरीज, खासी मसरूफियत, गहमा गहमी और भाग दौड़ बेचैनी से आज दिन का आगाज़ करेंगे और एक ऐसी फेवर फ़ायदा सपोर्ट भी आज आपको मिल सकता है जो शायद आपके वहम गुमान में ना हो। बच्चों की जानिब से सुख सुकून राहत रहेगा, किसी अहम फर्द या शख्सियत से मुलाकात मतवक्को है और ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस अगर कर रहे हैं तो दिन के आगाज़ में ही अपनी किस्मत को आजमाइए, आपको फ़ायदा हो सकता है। तालीमी एतबार से भी दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। बुर्ज 100 टॉरस की अगर बात की जाए तो घरेलू जिम्मेदारियों में इजाफा रहेगा, घर की किसी नाराइश में दिलचस्पी रहेगी, किसी दूर के मुकाम से आए मेहमान आपके घर उनकी खदमत करने का मौका भी मिलेगा। वालदा की गुर्बत, वालदा का साथ, वालदा की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बुर्ज जौजा जमनाए मतवक्को है कि अंदरून मुल्क सफ़र रहे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, किसी से पैसे लेने की गर्ज से भी ट्रैवल कर सकते हैं। छोटा मुख्तसर कारोबार करने वालों के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा, छोटे बहन भाइयों का साथ रह सकता है, पड़ोसियों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। बुर्ज सरतान कैंसर, फाइनेंशियली एतबार से आज का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, पुराने दोस्तों से रबते की बहाली रहेगी, खुशखुराकी करने का मौका मिलेगा, दिल की बात करने का मौका मिलेगा, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है और आज बड़े बेहतर हिकमत अमली को अपनाते हुए अपने कामों को भी मुकम्मल करेंगे। बुर्ज असद लियो, शख्सियत में निखार के साथ शिफायाबी का दिन भी है, किसी वजह से हेल्थ का इशू चल रहा था तो सेहत आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ठीक नज़र आती है, लेकिन दिन के अख्ताम तक हो सकता है फिर से नज़र बद का शिकार हो जाए, तो अपने मामलों को अपनी हद तक महदूद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। धोखाधही फ्रॉड के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता, अलबत्ता किसी भी काम की इब्तदा और आगाज़ आपके लिए नेक साबित रहेगा। बुर्ज सुमला वर्गो, अखराजात में इजाफा आज का दिन दिखाई देता है, आज तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं, आपको साइड पे करने की कोशिश की जाएगी बहुत से मामलात पे, तो कोशिश कीजिएगा कि उस काम में दिलचस्पी का मुजाहरा ना करें जिसमें लोग आपको पसंद नहीं करते। बुर्ज मैज़ान लिब्रा, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा, आज को छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान भी कर सकती है, किसी तकरीब में शिरकत करने के बाद हेल्थ ख़राब हो सकती है। बुर्ज अक्रब स्कॉर्पियो, रिस्क रोज़गार नौकरी के हसूल के लिए बेहतर मौके मुयसर आएंगे, कारोबार में की गई इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जिम्मेदारियों का हजम रहेगा, आज आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा। बुर्ज खौस सजिटेरियस, आज बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, नींद पुरसकून रहेगी, आज अगर को ख्वाब देखें उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा, वालिद का साथ, वालिद की कुर्बत रहेगी, वालिद से फ़ायदा प्रॉफिट मिलने का दिन है, आज कामों में तसलसल होने की वजह से चेहरे पर खुशगवारी के तासरात भी नज़र आते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, नाउमीदी मायूसी दौरान सफ़र हर्डल्स मुश्किलात पेश आ सकते हैं, नौकरी पेशा अफराद की जिम्मेदारियों के हजम में इजाफा आपको परेशान कर सकता है, तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आज का दिन ससुराल से मुलाकात भी मतवक्को है। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, शरीक हयात का साथ रहेगा, गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलती हुई दिखाई देती है, घर का माहौल पुरसकून दिखाई देता है, अगर किसी वजह से सेहत ख़राब थी तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत आज बेहतर नज़र आती है, कहीं से पैसे आने की उम्मीद की जा सकती है। बुर्ज हूद पाइसेस, हेल्थ इश्यूज़ अभी स्टिल बरकरार हैं, मायूसी स्टिल चल रही है, आज के दिन का आगाज़ कुछ इतना अच्छा नहीं, लेकिन दिन का अख्ताम आपके लिए खुशगवारी का तासर पैदा करेगा, मोहब्बत करने वालों के लिए आसानी पैदा करेगा, बच्चों की खुशी देगा, शरीक हयात का साथ देगा और मद्द मुकाबिल अफराद आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।